छापरा क्षेत्र की घनसौर सोसाइटी के किसानों ने आज जबलपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाद्य अधिकारी से मुलाकात की। सोसाइटी से संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इनकी माने तो उन्होंने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा धान तुलाई नहीं की जा रही है और धान तुलाई के बदले रुपए की मांग भी की जा रही है, जिसके खिलाफ घनसौर सोसाइटी के किसानों ने कार्रवाई करने की बात की है। आज यहाँ किसानों का प्रतिनिधि मंडल घनसौर सोसाइटी में, जो कि वहाँ पर किसान परेशान हैं और वहाँ तुलाई नहीं हो रही। सहपरा के कुछ अधिकारियों को भी मिली भगत से, वो चाहते हैं कि किसान हमको पैसा दें। इन किसानों के कारण रोज चार दिन से किसान परेशान थे और इनकी तुलाई नहीं हो रही थी, परंतु अभी खाद्य अधिकारी ने जैसे बोला है कि हमारी मैपिंग भी हमने करा दी है। अगर किसानों के हित में कल अगर मैपिंग आज हो गई है, बोल रहे हैं अधिकारी, और कल अगर ये नहीं होता तो सहपुरा मंडी में हम लोग वहां जाकर पूरा किसान अगर नहीं करते तो किसान जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक इन किसानों के हित में कोई काम नहीं होगा। परंतु आज जैसे खाद्य अधिकारी ने बोला है तो हम उनकी बात आज मान रहे हैं। परंतु मामला कहाँ का है? ये घनसौर सोसाइटी सहपुरा का। वहाँ क्या है, उनका कहना है कि हमने तीन उपकेंद्र बनाए हैं और जब तीन बनाए एक उपकेंद्र भर चुका है तो उसको तीसरे उपकेंद्र को चालू कर सकते, तो अभी उन्होंने बताया कि इसको चालू कर दिया गया है। अगर हम लोग शाम तक का समय दिया है और शाम तक वहाँ मैपिंग और हमारी तुलाई किसानों की नहीं, जो किसानों को लाखों अनाज बाहर पड़ा है, अगर कोई आपको पता है पानी गिर जाए, इसकी जवाबदारी कौन है? कोई लेने में तैयार नहीं।